नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पाठ हमने पढ़ा था जिसमें पाठ में बताया गया था कि फादर बुल्के जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं वो भारत में आते हैं। भारत उन्हें जो है सभी पूरे अपने देश से भी ज़्यादा उन्हें जो है भारत प्रिय लगता है और वो भारत में आने के बाद बेल्जियम को भूल जाते हैं और भारत की संस्कृति में ही रच बस जाते हैं। उन्हें भारत जो है अपने देश से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। उन्हें यहाँ पर रहने के पश्चात अपने माता पिता और अपने भाई बहन की याद आती है। सबसे ज़्यादा उन्हें अपनी माँ की याद आती है और पाठ में ये बताया गया है कि फादर बुल्के किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए थे। भारतीय संस्कृति जो थी उन्होंने पूरी तरह से अपना ली थी। हिंदी भाषा से उन्हें बहुत प्रेम था। हिंदी भाषा को वो बहुत लगाव रखते थे। हिंदी भाषा से वे इस उन्हें हमेशा मतलब सबके साथ जो है प्रेम से रहते हुए देखा गया था। वे सबके साथ अपनी प्रेम की अनुभूति बनाए रखते थे। सबके लिए जो है अपने मन में लगाव रखते थे। सबके लिए अपने मन में करुणा और दया की भावना रखते थे। उन्हें केवल एक ही बात पे क्रोध करते हुए देखा गया था कि जब भारत में रहने वाले लोग जो है वो हिंदी को ना बोलकर अन्य भाषा को बोलते थे। उनका ऐसा मानना था कि हिंदी भारत की मातृभाषा है और वे इसे राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए थे, बहुत प्रयत्न किए थे और अपने लिए हमेशा वो उन्होंने उन लोगों से भी हमेशा गुस्सा रहते थे जो भारत में रहकर भी भारतीय भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी मृत्यु जहरबाद से हुई थी, गैंग्रीन नामक बीमारी से हुई थी। और ऐसा लेखक जो है, लेखक का मानना था कि उनके लिए फादर बुल्के जो हैं वो बड़े भाई के समान हैं। वे फादर बुल्के को अपने लिए एक परिवार में बड़े सदस्य की तरह मानते थे। उनका मानना था कि फादर बुल्के जो हैं उनके लिए एक परिवार के उस सदस्य के समान है जिसके बिना उनका परिवार जो है वो पूरा नहीं हो सकता। लेखक को भी वो समय याद है जब उन्होंने फादर बुल्के को बुलाया था और अपने पुत्र के मुँह में जो है पहली बार अन्न का दाना डलवाया था। तो आज हम उसी पाठ को इसके ही प्रश्न उत्तर जो है वो करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया के समान क्यों लगती है। देवदार का वृक्ष जो है, देवदार जो है एक वृक्ष का नाम है और देवदार वृक्ष जो है वो हिमालय पर 6000 फुट से 8000 फुट तक की ऊंचाई पर पाए जाने वाला बहुत बड़ा पेड़ होता है। इसकी लकड़ी सुंदर होती है। लकड़ी जो है इसकी हल्की और सुगंधित होती है। यह अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है, इसमें घुन भी नहीं लगता। तो फादर बुल्के में भी यही सारे गुण उपस्थित थे और उनका व्यवहार जो था वो सुगंध देने वाला था और फादर बुल्के के जो विचार थे वो बिल्कुल सुदृढ़ थे। फादर बुल्के विचारों से बिल्कुल सुदृढ़ थे। फादर सन्यासी थे लेकिन जो पवित्रता का प्रतीक होता है, और इन सब कारणों से ही फादर की उपस्थिति लेखक की देवदार की छाया जैसी लगती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। देखो, ये प्रश्न जो है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग क्यों कहा गया है। इसमें इसका उत्तर जो है हम पॉइंट्स में लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर उत्तर देने में आसानी रहेगी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि फादर बुल्के जो है भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे और निम्नलिखित कथनों के द्वारा यह स्पष्ट रूप से पता लगता है। इसमें से कि पहला कथन, फादर बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर वे भारत को ही अपना देश बताते थे। उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल थी, लेकिन वो जब हमसे उनसे यह पूछा जाता था कि आपका देश क्या है तो वो कहते थे कि भारत। और फादर बुल्के जो है उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया था। वे भारतीय संस्कृति के महानायक राम और रामकथा को अपने शोध का विषय चुना था। उन्होंने राम कथा जो है उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध कार्य किया था। उन्होंने ब्लूबर्ड मातृलिंग द्वारा ब्लूबर्ड जो है उसका हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदी और संस्कृति को केवल पढ़ा ही नहीं था अपितु संस्कृत के कॉलेज के विभाग अध्यक्ष भी रह चुके थे। जहाँ हिंदी जानने वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे, वहाँ फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के इच्छुक थे। तो इन सभी आधारों पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के जो है वो भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अब पाठ में बहुत से प्रसंग ऐसे आए हैं जिनसे पता लगता है कि फादर बुल्के को हिंदी से कितना प्रेम था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिंदी के लिए वो हमेशा अकाट्य तर्क देते थे, यानी कि जिसकी जो कि उनकी बात को कोई काट ही ना सके। हिंदी के लिए वो हमेशा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे।
तो पाठ में ऐसे बहुत से प्रसंग आए हैं कि जहां पर हमें पता लगता है कि फादर बुलके हिंदी से प्रेम करते थे। जैसे फादर बुलके ने हिंदी में एमए किया, उन्होंने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध कार्य रामकथा उत्पत्ति और विकास भी हिंदी में ही पूरा किया। उन्होंने सुप्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित रहते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वे हमेशा अकाट्य तर्क दिया करते थे, और जब हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे तो वे बहुत दुखी होते थे। तो इन सब कथनों से पता लगता है कि हिंदी के प्रति उनका कितना प्रेम था। अगला प्रश्न है हमारा, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की छवि बतानी है। जैसे कि पाठ है, पाठ का नाम ही क्या है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक यानी कि मनुष्य के प्रति प्रेम की भावना, दया की भावना रखने वाला वो व्यक्ति। तो पाठ के आधार पर फादर बुल्के जो है वो मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं, जिनमें वात्सल्य और ममता कूट कूट कर भरी है। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते हुए उन पर करुणा, ममता और वात्सल्य की वर्षा निरंतर करते रहते हैं। अपने प्रियजनों के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि अपने आशीर्वाद से लोगों के मन को लबालब भर देते थे। इस तरह वे मानवीय करुणा के अवतार थे, मतलब उन्हें मानवीय, वे लोगों के प्रति इतना प्रेम रखते थे कि लोग जो है उन्हें अपना अपने अपना भाई, अपना सगा संबंधी मानने लगते थे। वे किसी भी रूप में सन्यासी नहीं लगते थे। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? ये प्रश्न भी जो है पिछले प्रश्न की से बिल्कुल थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, क्योंकि पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक ही रखा गया है, वो भी फादर के आधार पर। तो फादर मानवीय गुणों से लबालब थे, यानी कि उनके अंदर मानवीय गुण जो कि मानव में होने चाहिए वे सभी उनके अंदर उपस्थित थे। उनमें मानव के प्रति कल्याण की भावना थी, उनमें अपनत्व, ममता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, दूसरों के प्रति दया की भावना, ये सब कुछ उपस्थित था। वे सहृदय थे कि एक बार किसी के समीप जाकर किसी से भी दूर नहीं होते थे, यानी कि यदि किसी से एक बार मिल लिए उसे भूलते नहीं थे। अगर किसी से एक बार दोस्ती कर ली, किसी से एक बार अपना सगा संबंधी रिश्तेदारी बना ली तो उसके साथ कभी तोड़ते नहीं थे, और हमेशा दिल से निभाते थे। अपने प्रियजनों के संकट में भी वे अपने ऐसे सांत्वना देते थे कि वे अपने दुख को भूल जाते थे। यही कारण है कि लेखक उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहता है। मतलब उसने जिन जिन लोगों को, व्यक्ति को वो प्रिय थे, जिन्हें वे जानते थे, वे उन्हें दुख के समय पर भी, उनके दुख के समय पर फादर बुलके जो है उन्हें ऐसी सांत्वना देते थे कि वो फिर अपना दुख ही भूल जाते थे। तो फादर बुलके जो है इसीलिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि फादर बुलके ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? अब ये प्रश्न जो है वो दो तरीके से आ सकता है, जिसमें आ सकता है कि फादर बुल्के की सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग कैसे थे। सन्यासी, हमारे विचार में सन्यासी का नाम लेते ही सबसे पहले एक छवि उभरती है कि वही भगवा चोला पहने जो है व्यक्ति, जिसे हम सन्यासी या साधु कहते हैं। तो फादर बुल्के के लिए भी हम मन में वही छवि रखते हैं कि वो ही भगवा चोला धारण किए हुए जो सन्यासी हैं उन्हें ही फादर कहा जाएगा, या उन्हें उनके नाम पर उन्हें ही सन्यासी बोला जा रहा है, तो फादर को भी वैसा ही होना था। लेकिन यहाँ पाठ में लेखक ने जो उस प्रकार से दर्शाया है वो फादर बिल्कुल सन्यासी की जो परंपरागत छवि है उससे बिल्कुल अलग है, यानी कि हम जो सर छवि अपने मन में सन्यासी की संभाल के रखते हैं वो बिल्कुल उससे अलग है। फादर कुल के भारतीय सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खरे सन्यासी नहीं थे, क्योंकि सन्यासी तो बिल्कुल किसी के साथ भी दया की भावना, प्रेम, करुणा ये सब नहीं रखते। उन्हें वो सबसे मुक्त हो जाते हैं, उनके मन में किसी के प्रति कोई मोह, कोई प्रेम नहीं रह जाता। वो केवल संन्यास ले लेते हैं, यानी कि हर चीज से मुक्त हो गए, प्रत्येक व्यक्ति की रिश्तेदारी, प्रेम, करुणा, भावना सबसे मुक्त हो गए। तो यहाँ पर जो है फादर बुलके वो संन्यासी की प्रवृत्ति के आधार पर खरे नहीं उतरते। लेखक के अनुसार वो केवल संकल्प से संन्यासी थे। संकल्प यानी कि उन्होंने धारण कर लिया था, उसके बाद उन्होंने धारण कर लिया था कि वे संन्यास लेंगे, लेकिन उन्होंने संकल्प कर लिया था इसलिए वे संकल्प से संन्यासी थे, मन से नहीं। मन से यदि वे सन्यासी होते तो वे भी सब कुछ भूल जाते, लेकिन उन्हें तो लोगों के साथ बड़ा प्रेम था। वे तो लोगों के साथ जो अगर मन में एक बार किसी को अपना बना लेते थे तो उसे कभी भूलते नहीं थे। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से एक नई अलग परंपरा स्थापित की थी। वे संभवतः आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज के अध्ययन या अध्यापन करते थे।
ताकि वे स्वयं को अपनी आजीविका के लिए किसी पर भी निर्भर ना रहे, इसीलिए उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था। सभी के घर समय पर आते जाते थे, संकट के समय सहानुभूति रखकर उसे हौसला देते थे। इस प्रकार उनकी जो छवि थी वो परंपरागत सन्यासी की तरह नहीं थी, यानी कि जो परंपरागत सन्यासी होते हैं वो आजीविका नहीं, वो अपनी जीविका के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, वो तो केवल भिक्षा मांगकर अपना कार्य चलाते हैं। और जो परंपरागत सन्यासी होते हैं वो लोगों के साथ घर में आना जाना या किसी के साथ प्रेम प्यार नहीं रखते हैं, उनका तो केवल अपने मन में ही अपना और अपने ईश्वर के प्रति ही केवल उनका जो है सांठगांठ रहती है। लेकिन यहाँ पर फादर बुल्के को लेखक ने किस प्रकार से दर्शाया है, तो उन्होंने दर्शाया है कि फादर बुल्के जो है वो सन्यासी की उस छवि में खरे नहीं उतरते जिस छवि को हम लोगों ने सुना है या जिस छवि को हम लोग मानते हैं, बल्कि वे उससे भी दो रति ऊपर हैं। यानी कि सन्यासी तो हैं, सन्यास तो उन्होंने लिया है, घर परिवार उन्होंने छोड़ा है, लेकिन लोगों के साथ प्रेम की भावना का रिश्ता उन्होंने नहीं तोड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए, जिसका क भाग है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। पाठ में ये कथन आया है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। यह उस घटना के समय लिखा गया था जिस समय पर फादर बुल्के की मृत्यु हो गई थी और उनकी शव यात्रा निकाली जा रही थी और उनके शव को दफनाया जा रहा था। तो उस समय पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि उसे गिनना जो है वो असंभव था। तो लेखक उसी के कथन को जो है यहाँ पर लिख रहा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है और इसका आशय स्पष्ट करना है। लेखक को ऐसा अनुमान था कि विदेशी सन्यासी की मौत पर शायद ही कोई व्यक्ति आए, उसकी मृत्यु पर शायद ही कोई आए या फिर आंसू बहाए। लेकिन लेखक का यह अनुमान जो था वो गलत साबित हो गया था, क्योंकि फादर बुल्के की मृत्यु पर जो व्यक्ति थे उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिनना भी असंभव सा लग रहा था, इतनी भीड़ उमड़ गई थी। तो लेखक उसी के आधार पर यह कहता है कि पाठ में उसने हर एक व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है, लेकिन वो यहाँ पर आकर कह रहा है कि उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखना, उन सभी व्यक्तियों के भाव बताना बेकार में ही स्याही फैलाने के बराबर है, क्योंकि वहां पर आंसू बहाने वाले इतने व्यक्ति थे कि उन सबके बारे में लिखना और लिखने का प्रयास करना या उनको गिनने का प्रयास करना व्यर्थ में ही स्याही फैलाने के समान है। अगला आशय है हमारा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब फादर को याद करना, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि आशय स्पष्ट कीजिए, फादर को याद करना, जिस प्रकार उदास शांत संगीत को सुनने से हमारे मन में एक तरह से शांति छा जाती है, आंखें भर जाती हैं, हमारी स्मृति जो है उसमें हृदय जो है वो रो पड़ता है, ऐसे ही यदि हम फादर को याद करते हैं तो हमारा मन जो है वो एक तरह से बिल्कुल शांत हो जाता है, एक एक स्मृति जो है वो मन को कचोटने लगती है, स्मृति पटल जो है वो पूरी तरह से उस पर संपूर्ण जीवन चरित्र आने लगता है और हमारा हृदय जो है वो अवसाद से भर जाता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने के समान है। तो आशा है कि आप सभी को ये प्रश्न के उत्तर जो है वो समझ आए होंगे। धन्यवाद।